नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कविदेव व्याख्या श्रृंखला भाग छः में आपका स्वागत अभिनंदन। कविदेव के पांच छठे पद का मूल पाठ इस तरह से है, सुनिए। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव कोकिल हलावे उलसावे करतारी दे पूरित पराग सो उतारो करी राली राई लोन कंज कली नायिका लतानी पुचकारी दे मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस प्रस्तुत पद्य में कवि ने प्रकृति के माध्यम से और मानवीय जो भाव हैं उनकी स्पष्टता को सामने रखा है, क्रियाओं को सामने रखा है, तो प्रकृति और मानव का एक साथ इसमें प्रयोग है। एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि यहाँ मानवीकरण किया गया है प्रकृति का। तो कविदेव ने जो ऋतु वर्णन है उसका वर्णन और वसंत ऋतु का कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में वर्णन यहाँ किया है। और ये जो बालक को हम पालने में झुलाते हैं हिंडोले में, उस समय क्या क्या क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का यहाँ पर वर्णन इस पद्य में किया गया है। कविदेव कहते हैं कि कामदेव रूपी राजा वसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों का पालना, नए नए पत्तों का बिछोना, डार द्रुम पालना, कहा है ना, डार द्रुम मतलब जो वृक्ष हैं उनकी जो डाले हैं वो तो पालना है, और नए नए पत्ते हैं वो बिछोना है, और शरीर पर फूलों का शोभायमान होना वो एक तरह से झिंगुला है, झगुला जो छोटे बच्चे को पहनाते हैं कपड़ा उसको कहते हैं। मोर और जो तोते हैं वो उस बालक से बात करते हैं, कोयल बोलकर खुश होती हुई मानो बच्चे को बहलाने के लिए हाथ को तालियां दे देकर बजाने का काम होता है। तो जो कोयल बोलती है तो ऐसे लगता है कि जैसे हम तालियां बजा बजा के बच्चे को खिला रहे हैं, और कमल की जो कलियां हैं वो जैसे नायिका हैं जो पराग को बिखेरते हुई राई और नमक, राई लोन की अपन बात करते हैं जो छोटे बच्चे को नज़र न लगे उसके लिए, तो वो एक तरह से जो पराग झर रहा है वो इस तरह से लगता है कि जैसे यहाँ पर कमल की कलियों से निकलने वाला जो पराग है वो राई लोन की तरह, और जो लताएं हैं वो बच्चों को पुचकारी सी दे रही हैं, यानी इधर उधर जो वो झोटे खाती हैं, और सुबह सुबह गुलाब जो है खिलकर चटकारी सी देता है, और वह राजा कामदेव के वसंत रूप बालक को प्रातःकाल जगाता है। यानी इस पद्य में सवेरे का वर्णन है, वसंत ऋतु में सुबह सुबह प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है, और प्रकृति में जो होने वाले परिवर्तन हैं उन परिवर्तनों को मानव के साथ में जोड़कर, मानव के साथ जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं और गतिविधियों के साथ में जोड़कर कवि ने यहाँ पर इस पद्य को इस पद्य की सृजना की है, लेखन किया है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि मानवीकरण अलंकार है, सांगरूपक अलंकार भी है, और भाषा में चित्रात्मकता है, व्यंजना है, और संपूर्ण पद्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अगर छंद की बात करें तो यहाँ पर कवित छंद का प्रयोग हुआ है, और ब्रज भाषा है, संगीतात्मकता है, लयता है, वर्ण मैत्री है, पद्य मैत्री है, यानी सौंदर्य के तमाम जो अभिधान हैं उनका प्रयोग इस पद्य में किया गया है। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण पद्य था जिसमें कवि ने अनेक जो तोता है, कोयल है, पेड़ है, पत्तियां हैं, डालियां हैं, उनमें एक पेड़ के ऊपर जिस तरह से एक वृक्ष पर डाली पत्ते और उस पर जो आने वाले जो पक्षी हैं वो किस तरह से क्रियाएं करते हैं, और उसको उस क्रियाओं को एक छोटे बच्चे को खिलाते हुए का रूप प्रस्तुत करना, ये कवि का अपना कौशल है,
अपनी गति है, अपनी कला है, जो उन्होंने इस पद्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।